गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टोरी यू हैव टू राइट एंड लर्न एज वेल इन स्टैंडर्ड 6। सो हियर इज सम टॉपिक्स यू हैव टू राइट फ्रॉम फॉलोइंग दिस टॉपिक्स। डिस्प्यूट बिटवीन द सन एंड विंड, रिमूव द शॉल, देन कंक्लूजन। ठीक है, तो ये आपको वर्कबुक में भी दिया हुआ है, डिस्प्यूट बिटवीन सन एंड विंड वाली स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी में क्या होता है, सन होता है एंड विंड होती है, यानी हवा और सूर्य होता है। ठीक है, वो अपने आपस में झगड़ते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते कि दोनों में से ज़्यादा है कौन स्ट्रॉन्ग, तो तब वो एक शर्त लगाते हैं। ठीक है, एक जो है ट्रैवलर जाता है ट्रेन में। ठीक है, एक ट्रैवलर पास होता है, तो क्या होता है, एक सन बोलता है कि अगर सन एंड विंड दोनों बोलते हैं कि अगर ये इसको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मतलब ऐसे अगर इसको ज़्यादा ठंडी लगती है, वो ठंडी लगे और ठंडी के मारे वो शॉल पहन ले, तो समझ लेना कि हवा बोलती है सूरज को कि तुम हो स्ट्रॉन्ग, मैं फिर हार गई। लेकिन फिर बोलते हैं अगर कि इसको गर्मी लग के वो हटा दे शॉल, तो विंड जीत गई। तो ऐसे करके वो आपस में एक कंडीशन रखते हैं। नाउ सी, इट वॉज एन ऑटम डे। ऑटम डे होता है, विंड एंड द सन हैड एन आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। द विंड बोस्टेड, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। विंड बोलती है मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सन बोलता है माइल्डली सेड, नो यू आर नॉट, नहीं तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जस्ट देन दे सो अ ट्रैवलर, फिर वो ट्रैवलर देखते हैं, रेप्ड इन अ ब्लैंकेट वॉज पासिंग बाय। ठीक है, ब्लैंकेट पहना हुआ यानी इसको कंबल पहना हुआ होता है। द विंड सेड, विंड कहती है, हुएवर सेपरेट द ब्लैंकेट। ठीक है, अगर जो भी सेपरेट कर पाता है उस ब्लैंकेट को, ठीक है, तो ट्रैवलर इज स्ट्रोंगर देन फ्रॉम, डू यू अग्री। तो ठीक है, जो भी सेपरेट कर पाए हम दोनों में से इस ट्रैवलर का ब्लैंकेट, वो स्ट्रोंग है। नाउ सी, द सन रिप्लाइड, ओके फर्स्ट यू ट्राई। द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, ठीक है, विंड जो है अपनी हवा फुलाना स्टार्ट करती है। द ट्रैवलर रेप्ड हिज ब्लैंकेट अराउंड हिम, अराउंड, फिर क्या करता है, अराउंड हिम, ट्रैवलर क्या करता है, आजू अपने ये ब्लैंकेट ओढ़ लेता है, उसको ज़्यादा ठंड लगती है तो। ही ब्लू हार्डर, द ट्रैवलर हेल्ड हिज ब्लैंकेट फर्मर, ही ब्लू स्टिल हार्डर द विंड ब्लू। ठीक है, जैसे जैसे वो मतलब उसको ठंड लगती है, वैसे वैसे वो कंबल ओढ़ता जाता है। द टाइटर एंड फर्मर डिड द ट्रैवलर होल्ड हिज ब्लैंकेट, द विंड फेल्ड। ठीक है, जैसे जैसे हवा फूलती है, वैसे वैसे वो कंबल और ज़्यादा टाइटली रेप कर लेता है। ठीक है, ओढ़ लेता है मीन्स, तो साबित हो गया कि विंड फेल हो गई। फिर देखिए, इट वॉज द सन्स टर्न, अभी सन का टर्न था। द सन स्माइल्ड जेंटली एट द ट्रैवलर, सन जो है अच्छे से खिल रहा था, वो स्माइल कर रहा था। द ट्रैवलर लूजन्ड हिज ग्रिप ऑन द ब्लैंकेट, द सन स्माइल्ड वार्मली, द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ एंड सून टुक ऑफ द ब्लैंकेट। अभी क्या होता है, सन अच्छे से मस्त स्माइल कर रहा था, तो जैसे जैसे सन अपनी स्माइलिंग देते गया, वैसे वैसे ट्रैवलर को गर्मी होती गई। ठीक है, तो गर्मी के मारे उसने अपनी शॉल जो है टुक ऑफ यानी उतार ली, निकाल दी। ठीक है, तो इससे साबित हो गया कि द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रोंगर, यानी सन जो है वो विंड से ज़्यादा स्ट्रोंग है। अभी यहाँ पे देखिए मॉरल क्या निकलता है, जेंटल स्माइल कैन अचीव व्हाट ब्रूटल फोर्स कांट। अभी जेंटल स्माइल, ठीक है, सूरज के पास कैसी थी, जेंटल स्माइलिंग थी, उसकी स्माइल की वजह से ही वो स्ट्रोंगर है। ठीक है, यहाँ पे ब्रूटल यानी विकेड, यानी बहुत ही वीक, जो ब्रूटल यानी एटीट्यूड दिखाता हो वो इंसान हार जाते हैं बार बार।